ये वॉशिंग मशीन आपका 8 kg का वॉशिंग मशीन है, लॉयड कंपनी का। तो सारी डिटेल मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप लॉयड कंपनी का 8 kg का वॉशिंग मशीन लेते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड, तो आपको इसमें बेनिफिट बहुत सारा देखने को मिल पाता है। लुक बढ़िया मिलेगा, डिज़ाइन बढ़िया मिलेगा और परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर देखने को मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो इसका मैं आप लोगों को मॉडल वगैरह यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि मॉडल कौन सा है। लाइट ग्रे इसका कलर है, कैपेसिटी 8 kg है। प्लस इसमें आप लोगों को आगे बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिल पाएगा, क्योंकि ये 5-स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाता है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ 5-स्टार रेटिंग देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें नीचे में मेंशन किया हुआ है, जैसे लेटेस्ट है 2023 का मॉडल है। एनर्जी कंजम्पशन पे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हो कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल वो ले सकता है। सारा चीज़ क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एंड गाइस मॉडल यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो बॉक्स में आपको देखने को मिल पाता है। अब मेनली यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि इस बॉक्स को हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें क्या चीज़ देखने को मिल पाएगा। तो भाई इसमें लुक और डिज़ाइन मुझे काफ़ी बेहतर और काफ़ी बढ़िया लगा, जो कि आप इस वॉशिंग मशीन को अगर लेते हो तो आप काफ़ी बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि इसमें मुझे लुक और डिज़ाइन काफ़ी मस्त लगा है। तो सबसे पहले तो इसका अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद मैं आप लोग इसका चलाने का तरीका भी आगे वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप इस वॉशिंग मशीन को लेते हो तो इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझ में आने वाला है। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल पाएगा इस वॉशिंग मशीन का। 30,000 के नीचे ये आपको वॉशिंग मशीन देखने को मिल पाएगा ईजी वे में। आराम से इस वॉशिंग मशीन को आप परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका लुक डिज़ाइन काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा कलर के साथ हमें देखने को मिल पाता है। देख सकते हैं एक सुंदर लुक, जो कि लॉयड आपको बताना चाहूँगा मैं आप लोग को, एक इंडियन ब्रांड है। आपको पता ही है लॉयड का हमारा एसी वगैरह भी आता है। तो बैक साइड में एक स्टिकर है जिसमें आपको मॉडल सीरियल सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ देखने को मिल पाएगा। यहाँ पर एक बार कोड भी दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं 230 वोल्ट पे ये काम करेगा, 450 वाट पे ये लेकर के ये वर्क करेगा। तो मॉडल भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और एक डायग्राम भी है जो कि वायरिंग के लिए नॉर्मली यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये कवर है जो कि नीचे के साइड में आप लोग कवर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकेस आपका घर पे चूहा वगैरह रहता है तो तार वगैरह नहीं काटे, तो इसके लिए कंपनी प्रोवाइड करती है नीचे का कवर। अब अंदर के साइड में भी बात कर लेते हैं कि अंदर में क्या क्या देखने को हमें मिल पाएगा। नॉर्मली जिस तरह से टॉप लोड के वॉशिंग मशीन में जो चीज़ आपको देखने को मिल पाता है, सेम उसी प्रकार से देखने को मिल पाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमें पाइप देखने को मिल पाता है, जो कि हमारा आउटलेट के लिए पाइप है, हमारा ड्रेन पाइप, और एक इनपुट के लिए भी पाइप हमें इंक्लूड देखने को मिल पाता है। यूज़र मैनुअल भी इसी के अंदर हमें देखने को मिल पाएगा, जो जिसमें हम समझ पाएंगे कि इस वॉशिंग मशीन को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो यूज़र मैनुअल का भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अंदर का ड्रम वगैरह भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी हेवी ड्रम हमें देखने को मिल पाता है। पल्सेटर भी काफ़ी मजबूत पल्सेटर है, जो कि आपका लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, जल्दी डैमेज वगैरह नहीं होगा वो आपका। इस तरह का पल्सेटर वगैरह यहाँ पर बनाया गया है। एक फ़िल्टर है, जो कि फ़िल्टर आप टाइम टू टाइम क्लीन अगर करोगे तो आपका कपड़ा वगैरह में एक्स्ट्रा दाग या एक्स्ट्रा गंदगी नहीं रहेगा। तो फ़िल्टर को टाइम टू टाइम आप क्लीन करें, बहुत ईजी वे में वो निकल जाता है, जो कि आपको निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 से 20 दिन में एक बार आप फ़िल्टर को क्लीन कर दो, जिससे आप क्या होगा एक्स्ट्रा कपड़ा में दाग वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर एक आपका डिस्प्ले देखने को मिल पाएगा, जिसमें डिस्प्ले में ऑप्शन बहुत सारा है। ये किस तरह से ऑप्शन काम करता है मैं आगे वीडियो में भी कवर करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं सारा चीज़ इनलेट का मैंने दिखा दिया। ये इनलेट आपका बल्ब है, जिससे पानी हमारा इंटरनली लेगा, इनपुट है हमारा, और आउटपुट हमारा नीचे के साइड में रहता है। लेफ्ट और राइट में हमें एक पकड़ने वाला सिस्टम देखने को मिल पाता है, जो कि हम वॉशिंग मशीन को पकड़ करके ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बॉडी भी काफ़ी मजबूत है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा भाई, हेवी बॉडी है, कमज़ोर नहीं है। बाकी कुछ सामान यहाँ पर था, और अगर आपको इसको सेट करना तो एक नल हो रहना चाहिए। इस तरह का नल नहीं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, नल नॉर्मली नल वॉशिंग मशीन के लगाना पड़ेगा फुल्ली ऑटोमेटिक का। अब यहाँ पे आप सब समझ गए किस तरह से इसको यूज़ होता है, आप लोग समझ गए कि इसका लुक डिज़ाइन किस तरह का है। बाकी यहाँ पर एक आपको सर्फ रखने का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा इस तरह से, वो थोड़ा हेवी थोड़ा मजबूत रहता है ये सर्फ रखने वाला ऑप्शन। तो भाई दोबारा जब इसको लगाओगे तो थोड़ा टाइट रहेगा, तो इसको ताकत से लगाना पड़ता है थोड़ा। इस तरह से आप थोड़ा ताकत से लगाओगे तो बहुत ईजी वे में लग जाएगा। अब सिस्टम समझिए, देखिए सबसे पहले इसमें कपड़ा डाल दीजिएगा, जो भी आपका कपड़ा रहेगा 8-10 कपड़ा, और यहाँ पर आपका सर्फ डालने वाला ऑप्शन है। ये टाइट रहता है, थोड़ा ताकत से खोलना पड़ेगा इसको, वो ताकत सब तो समझ में गया। हाँ। लेकिन मतलब यहाँ पे ये सब समझ में आ गया। ताकत से इसको लगा दीजिए, बताते जा रहे हैं आपको। और लिक्विड रहेगा तो लिक्विड आपको यहाँ पे आएगा, देखिए लिक्विड के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको बंद कर देना है, बंद करने के बाद ये पावर बटन है आपका ऑन हो, इसे ऑन करेंगे। नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 8 तक, ठीक है, 1 से लेके 8 तक लिखा हुआ है।
वन नंबर में आपका क्या है नॉर्मल वॉश, जो डेली यूज वाला कपड़ा रहता है हर दिन का मिक्स कपड़ा अलग अलग सारा आपका इसी में आएगा नॉर्मल वॉश में। सेलेक्ट इसमें रहेगा एक नंबर पे, सिर्फ स्टार्ट बटन प्रेस कीजिएगा तो मशीन चालू हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, कपड़ा को ये धोएगा खंगालेगा सुखाएगा कंप्लीट करने के बाद बजर बजने लगेगा, मतलब यहाँ का जो भी है वो सब हाँ, करना है इजी टू यूज आपका होगा। और इधर का हमको वो चीज समझ में नहीं आया, हम बता रहे आपको वन बाय वन पर सारे बता रहे हैं, ठीक है ये आपको समझ के नॉर्मल वाला कोई इशू इसमें नहीं है। उसके बाद आता है स्वीट वॉश, जो हल्का मुलायम सॉफ्ट कपड़ा है सारा आपका स्वीट वॉश में आएगा। चेंज करने के लिए प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टार्ट प्रेस करेंगे फिर छोड़ देना है। उसके बाद अगर सारा ऑप्शन को चेंज करना है तो इसी बटन से प्रेस होगा। जेंटल वॉश आएगा, जींस वगैरह जो भी रहता है आपका जेंटल वॉश में आएगा। चार नंबर में स्टेन रिमूवर, इसमें जो ज्यादा से ज्यादा गंदगी वाला कपड़ा रहेगा सारा आपका स्टेन रिमूवर में। फोर नंबर पे, फाइव नंबर पे एनर्जी सेवर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करके मशीन सारा काम प्रोवाइड करेगा। सिक्स नंबर में हेवी वॉश, जो मोटा जींस चादर वगैरह रहेगा सारा आपका सिक्स नंबर में आएगा हेवी वॉश में। उसके बाद प्रेस करेंगे हाइजीन ड्राई, सुखाने वगैरह का जो काम करना है सात नंबर पे कर सकते हैं कपड़ा सुखाने का। ड्रम हाइजीन में क्या होता है कुछ महीने के बाद जिस तरह से गंदगी होता है आपको बताया हम, ये आपके अंदर में गंदगी आने लगता है तो इसके लिए आपको क्लीनिंग पाउडर आता है उस पाउडर को महीना में एक बार इसको छीट देना है अंदर के साइड में, छीट देने के बाद इस तरह से इसको बंद कर देना है, एट नंबर में सिलेक्ट करना है और स्टार्ट मार के छोड़ देना है। ड्रम हाइजीन क्लीनिंग पाउडर एक आता है, ठीक है ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब जिसमें भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं मशीन टोटल काम कर रहा है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि हमको सिंगल भी यूज करना है, मतलब सिर्फ धोने का काम करना है या सुखाने का काम करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोसेस का, इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो देखिए स्पिन में सिर्फ लाइट जल रहा है, अगर आप स्टार्ट मारिएगा तो सिर्फ आपका सुखाने का काम करेगा मशीन, हाँ सिर्फ सुखाने का काम करेगा एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करेगा। फिर प्रेस कीजिएगा तो देखिए सारा काम सारा में लाइट जल रहा है सारा काम करेगा। इस तरह से अगर आप कीजिएगा तो अलग अलग ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है इसको पहले चेंज करते हैं देखिए, ठीक है सिर्फ वॉश करेगा सिर्फ सुखाएगा धोएगा और खंगालेगा, ठीक है और धोएगा और सुखाएगा। इस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं सिंगल यूज के लिए। वाटर लेवल है, पानी के लेवल को सेट करना है तो जिस तरह से टाइमिंग यहाँ पर प्लस हो रहा है मतलब पानी का लेवल आपको बढ़ते जा रहा है, ठीक है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा इससे आप कर सकते हैं। डिले एंड टाइम लगा सकते हैं, एक घंटा दो घंटे के बाद मशीन ऑटोमेटिक चालू हो तो यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है इस तरह से आपका ये ऑप्शन काम करता है। बाकी यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपका चाइल्ड लॉक का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देखिए ये लॉक हो गया, ठीक है इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, हाँ इसको प्रेस करके रखना है पांच सेकंड के लिए तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा सारा काम कर देगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका होगा तब होगा, इसको फिर हटाने के लिए सेम प्रेस करना होगा। उसके बाद इसी तरह से प्रेस करना होगा, ठीक है ठीक है अब काम कर रहा है सही, राम बटन में काम कर रहा है, ठीक है।